वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन। आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे अगर हमारे पास अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हों तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट जो ऑपरेशंस होंगे वो एक ही एक्सप्रेशन में दिए होंगे, तो उसके लिए हम एक स्पेसिफाई रूल को डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ बॉडमास। बॉडमास इज़ अ रूल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस दैट आर इंक्लूडेड अ मैनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, आल्सो इंक्लूड्स विद द सम काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, सो फर्स्टली वी डिस्कस द ब्रैकेट्स, देयर टाइप्स, देन वी डिस्कस द बॉडमास फार्मूला एंड हाउ वी विल सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? सो नाउ टूडे नाउ अब हम डिस्क्राइब करेंगे बॉडमास। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब बॉडमास। So, what is the full form of body mass? So, B stands for brackets. O stands for of, that is not used in our topic. इसको हम 7th क्लास में डिस्कस करेंगे, but the meaning of is multiply. Okay? Like 4 of 5, that is 4 multiply 5. ओके, देन डी, डी इज डिवाइड, देन डिवीजन इज टेक्स प्लेस। ओके, आफ्टर द डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, वी मल्टीप्लाई द नंबर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन एडिशन, वी डू एडिशन। एट लास्ट we solve the subtraction. So now we discuss about the brackets, types of brackets. So mainly we have three types of brackets. First is round bracket. This is a symbol of round bracket. It is also known as small brackets or parentheses. Parentheses. The parentheses word is not used in the mathematical so much, but it is very used. It is very much used in the computer language. So, जो प्रोग्राम हम करते हैं उसमें parentheses ही लिखा होता है, ठीक है? तो आपको समझ आना चाहिए भी ये वो राउंड ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। Is that clear to everyone? So, this is the first type of bracket. Second bracket है हमारे पास curly bracket. So curly brackets, there is a curl in between the brackets. So this is a symbol of curly brackets. Is that clear to students? I think all the students are already have some information about the brackets. So at last, that which bracket we use, that is square brackets. This is a symbol of square brackets. So, ये तो थी हमारे पास brackets. लेकिन अगर ये sum में तीनों bracket एक साथ दी हुई तो हम उसको कैसे solve करेंगे, कैसे simplify करेंगे? तो हमारे पास round bracket, curl bracket और square bracket होगी, तो हम इसको sum में कैसे simplify करेंगे वो देखेंगे अब हम। First step हमारा होगा सॉल्व राउंड ब्रैकेट।
ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सॉल्व द राउंड ब्रैकेट्स. फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व राउंड ब्रैकेट्स इफ वी वॉन्ट टू गेट एग्जैक्ट आंसर. सेकेंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन एट सेकेंड स्टेप सॉल्व द कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, सेकेंड स्टेप में हम कर्ल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. एंड लास्ट पर कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद कर्ल ब्रैकेट के बाद वी सॉल्व द स्क्वेयर ब्रैकेट्स. स्क्वेयर ब्रैकेट्स सॉल्व आफ्टर द कर्ली ब्रैकेट्स. सो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द राउंड ब्रैकेट्स, देन वी सॉल्व द कर्ल ब्रैकेट्स, एट लास्ट वी सॉल्व द स्क्वेयर ब्रैकेट्स. इज दैट क्लियर? ये सभी अभी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट्स के बारे में है. अब हम डिस्कस करेंगे ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है. सो ब्रैकेट्स में हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो होगा डीमॉस. ओके, दिस रूल इज यूज्ड टू सॉल्व द और सिंप्लीफाई द सिंप्लीफाई द ब्रैकेट्स ओके. डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सो ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, अगर डिवीजन नहीं है मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. मान लो डिवीजन और एडिशन है, पहले डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे. ओके, सो इसको रूल को फॉलो करना है लेफ्ट टू राइट साइड. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डीमॉस, फर्स्टली वी डिस्कस बोर्ड मास रूल टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस दैट्स इंक्लूड विद द ब्रैकेट्स. बोर्ड मास, फर्स्टली सॉल्व द ब्रैकेट. विच काइंड ऑफ ब्रैकेट फर्स्टली सॉल्व? राउंड ब्रैकेट. इन द राउंड ब्रैकेट वी फॉलो डीमॉस. ओके, देन सॉल्व द कर्ली ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ डीमॉस. देन सॉल्व स्क्वेयर ब्रैकेट्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी इस टॉपिक की. लाइक मेरे पास है 13, स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है यहाँ से. अब इसको थोड़ा सा ना अच्छे से समझना, इसमें एक और लॉजिक लगेगा. ठीक है, 13, 78, यहाँ पर प्लस का साइन है, कर्ल ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दी है, कर्ल ब्रैकेट में 13 है, ये माइनस हो रहा है, राउंड ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दी है. ठीक है, ये है 24 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, और ये मैंने कर्ल ब्रैकेट बंद की, स्क्वेयर ब्रैकेट बंद की. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास. सो वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास रूल. ओके, सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. फर्स्टली हम कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट. ओके, सो स्टेप फर्स्ट, स्टेप नंबर 1, सॉल्व द राउंड ब्रैकेट. ओके, सॉल्व राउंड ब्रैकेट. अब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. बाकी हम सबको वैसे ही लिख लेंगे एक्सप्रेशन को, ये मैंने लिख लिया. अब राउंड ब्रैकेट में हम किस रूल को फॉलो करेंगे? डी मास को. पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड. 24 डिवाइड बाय 3, वी नो दैट दैट इज 3, रहने दो यहां पर, आप 8 लिखो. ओके,
24 डिवाइड बाय 8 दैट इज 3, नाउ प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व द राउंड ब्रैकेट बाय द रूल डी मॉस, यहाँ पर लिख लो बाय द रूल ऑफ डी मॉस रूल, बाय द डी मॉस रूल। ओके, इससे क्या होगा, हमें क्लैरिटी हो जाएगी। हमने पहले डिवीज़न करनी है ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। यही रूल हम कर्ल ब्रैकेट के लिए फॉलो करेंगे, यही रूल हम स्क्वायर ब्रैकेट के लिए फॉलो करेंगे। ओके, सो अब हमने डिवाइड कर दिया, अब किसकी बारी है, मल्टीप्लिकेशन की। बट वी हैव नाउ वी हैव द राउंड ब्रैकेट टू सिंप्लीफाई। सो हम अभी कर्ली ब्रैकेट और स्क्वेयर ब्रैकेट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वी हैव टू फोकस जस्ट ऑन द राउंड ब्रैकेट और अ स्मॉल ब्रैकेट। सो अदर एक्सप्रेशन राइट सेम इट इज। सो स्टेप नंबर टू, यहाँ पर मैं स्टेप भी लिख देता हूँ, आपको इजी रहेगा। आप चाहो अपनी नोटबुक में भी ऐसे लिख सकते हो और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ सॉल्व मल्टीप्लिकेशन इन विच ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, बिकॉज हम राउंड ब्रैकेट की ही बात कर रहे हैं अभी, तो डी मॉस रूल अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि एडिशन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है हमारे पास। सो मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 1 पता है कितना आएगा, सबको पता है, यस 2 आएगा, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो आफ्टर दिस हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर ली, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2। नाउ मूव ऑन द स्टेप नंबर थर्ड, दैट इज सॉल्व द एडिशन इन द राउंड ब्रैकेट, सॉल्व एडिशन इन राउंड ब्रैकेट और अ स्मॉल ब्रैकेट, चॉइस इज योर, यू ऑल्सो राइट हेयर स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और अ पैरेंथेसिस, चॉइस इज योर, नथिंग इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? सो अब हमने बाकी एक्सप्रेशन को वैसे ही लिखा, एडिशन को सॉल्व कर लो, एडिशन सॉल्व कर ली, 5 आ गया। देखो अब राउंड ब्रैकेट सारी सॉल्व हो गई ना थर्ड स्टेप पर, तो राउंड ब्रैकेट को हटा देना है हमने। अब राउंड ब्रैकेट को डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब राउंड ब्रैकेट के बाद किसकी बारी आएगी, कर्ल ब्रैकेट की। कर्ल ब्रैकेट में क्या, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, तो अब फोर्थ स्टेप हमारा आएगा सॉल्व कर्ल ब्रैकेट्स विच मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद द सॉरी विद, रहने दो आप, 4 लिखो, 4 सब्ट्रैक्शन। देखो हम सब्ट्रैक्शन ही करेंगे ना इसमें, तो कर्ल ब्रैकेट हम सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्व द सब्ट्रैक्शन इन कर्ल ब्रैकेट, वी ऑल्सो राइट सॉल्व सब्ट्रैक्शन इन कर्ल ब्रैकेट्स। सो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो, 13 माइनस 5 दैट इज 8। सो ये हमारा 8 आ गया, कर्ल ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमारे पास जो लेफ्ट है वो, दिस इज ओनली स्क्वेयर ब्रैकेट। सो स्टेप नंबर 5 वी सॉल्व द एडिशन इन अ स्क्वेयर ब्रैकेट, सॉल्व एडिशन इन स्क्वेयर ब्रैकेट।
सो 13, दिस इज अ स्क्वेयर ब्रैकेट, 86। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, सर यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया था, तो आपने ब्रैकेट क्यों नहीं हटाई? बेटा मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं हटाई क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। अगर मैं ब्रैकेट हटा देता वहाँ पर, तो आपने बोलना था सर आपने ब्रैकेट हटा दी, मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया। अब देखो, नोट डाउन करो स्टेप को, एक नोट है आपके लिए। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ना हुआ, देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, नंबर है, नंबर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो ब्रैकेट हटाने के बाद कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लिकेशन का। ओके, सो इफ वी हैव नो, वी हैव नो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस सिंबल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ब्रैकेट, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ब्रैकेट वी हैव नो मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ, स्टार्टिंग ऑफ ब्रैकेट्स, आइदर अ स्क्वेयर ब्रैकेट और कर्ली और अ राउंड ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो उसके ब्रैकेट स्टार्ट होने से पहले कोई सिंबल नहीं है, तो व्हेन वी रिमूव द ब्रैकेट्स द मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस। ओके, व्हेन वी विल रिमूव द ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन इज टेक्स प्लेस, मल्टीप्लीकेशन इज टेक्स प्लेस। अब हटाओ ब्रैकेट को, बस ये स्टेप मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिखा था ताकि मैं आपको बता सकूं भी अगर हमारे पास कोई सिंबल नहीं होगा ब्रैकेट्स से पहले, तो वो नंबर है ब्रैकेट वाले बीच के नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 86। अब मल्टीप्लाई कर लो, ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, वो मेथड हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, वहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करना सीखेंगे भी कैसे हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, तो उसमें हम ट्रिक्स की बात करेंगे, वो हम किसी और दिन बनाएंगे। ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका 1118 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ योर आंसर, आप चेक कर लेना, मे बी इट इज़ करेक्ट और अ रॉन्ग। ओके, आप चेक कर लेना एक बार आंसर को, अकॉर्डिंग टू मी ये आएगा 1118। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ द सिंप्लीफिकेशन दैट इज़ यूज द मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन अ सिंगल ऑपरेशन, सिंगल एक्सप्रेशन, सॉरी इट इज सिंगल एक्सप्रेशन, हेयर वी यूज ब्रैकेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स यूज, सब्ट्रैक्शन इज देयर, डिविजन इज देयर, एडिशन इज देयर, मल्टीप्लीकेशन इज देयर, मोर ओवर द ब्रैकेट्स विद नो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज देयर। सो आई थिंक दिस एग्जाम्पल कवर ऑल द टॉपिक वेरी वेल दैट वी डिस्कस अर्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास
वी विल डिस्कस अबाउट द रोमन नंबर्स एंड द रूल्स ऑफ द रोमन नंबर्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.